आईपीसी में इतना धारा ही नहीं है जितना नॉनवेज खाने पे यहाँ धारा है। एक्चुअली क्या हुआ कि ऐसा हुआ ना कि मैं यहाँ छठ के बाद रुक गया तो बेचारी पे कुछ ज़्यादा ही बर्डन आ चुका है। हम लोग पाँच छः मुस्टंडे हैं। अपने घर जाना है। कोई फोटो करते हैं। लकड़ी डाल रहा हूँ इसमें चूल्हा में। लेकिन वो दाल दादी के लिए मटन लाने वाले हैं क्योंकि दादी को मटन भी बहुत पसंद है और मैं बोला हूँ मैं यहाँ जाने से पहले आपको मटन खिला के ही जाऊँगा। कोई बात नहीं। तो हे फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोनल सुहान ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं, हम लोग भी अच्छे हैं और दुआ यही रहेगा कि आप लोग हमेशा अच्छे रहें। अपने भाई के लिए भी दुआ करो। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, बहुत सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट अच्छा बन रहा है। इसी तरह अपना प्यार बरसाए रखना, बनाए रखना। और आज का ब्लॉग मिस मत करना क्योंकि आज अगर मिस कर दिया तो सब कुछ मिस कर दिया। आज के ब्लॉग में आपको बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है एकदम, जैसे कि आपको देख रहे हो अभी मैं अपने विलेज आया हुआ हूँ, अपने गाँव आया हुआ हूँ। और अब देखो तो मॉर्निंग का समय है। देखो वाओ क्या फेस पे धूप आ रहा है, क्या मज़ा लग रहा है। तो आज के ब्लॉग में आपको मटन करी बनने वाला है, मटन करी बनने वाला है। यस यस। आप बोलोगे भाई कभी फिश करी, कभी चिकन करी और मटन करी, यही सब ब्लॉग डाल रहे हो। लेकिन क्या करें, अपने गाँव में आए हैं तो गाँव का तो इफेक्ट पड़ता है ना। एक्चुअली क्या है कि मेरी दादी को मटन खाने का मन कर रहा था। दादी हमको 2 बार बोल चुके मटन नहीं ले माँ, मटन नहीं ले माँ, अपने लैंग्वेज में। तो मुझे लगा चलो एक दिन तो फिश बनाया था क्योंकि मुझे मैं मटन नहीं खाता हूँ। सोनल खाती है और बाकी फैमिली मेम्बर खाते हैं और दादी खाती है। किस स्टाइल में बनाने वाली हो मटन? क्या किस स्टाइल में? और क्या, ईटा जोड़ के चूल्हा जोड़ूंगी, उसके बाद बनाऊंगी उसके ऊपर ईटा चूल्हा में देहाती स्टाइल। आज दादी को कुछ ज़्यादा नहीं खाने का मन था क्या मटन? आज की मंगाई, आज की ये देखिए दादी यहाँ चाय ब्रेड खा रही है। तो कोई फोटो करते हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अजलत का तमाशा करते रहते हो। तो यहाँ दादी चाय ब्रेड खा रही है। ले आई लियो मटन माँ, सुन ली नहीं सुन ली क्यों बोला? ले लियो मटन। मछली नहीं, मीट है। रुक, मीट है। हाँ। अच्छा हो ना, तोरे लगी ले लियो है। हम भी देखिए यहाँ दादी लहसुन छिली है इतना सारा और मटन खाने के लिए लहसुन छिली है। कि देखो आज फिर से देहाती स्टाइल में मटन करी बनने वाला है। और अभी देखो यहाँ पे मैंने नहाने से पहले चूल्हा लगा दिया और मटन बनाने वाली सोनल नहीं है आज क्योंकि आज बनाने वाले हैं फूफा, क्योंकि दादी बोलती है वो बहुत अच्छा बनाते हैं। ऑब्वियसली बात है, हम लोग भी जानते हैं कि वो बहुत अच्छा बनाते हैं। क्योंकि दादी का आज मन था मटन खाने का, वो सुबह ही से बोल रही थी कि आज की लेमी। तो ऐसे भी उनको पता था। एक दिन तो फिश लाया था, आपने वीडियो देख ही लिया होगा फिश करी वाला, वो वीडियो को भी लाइक करना और आज मटन करी का वीडियो जरूर देखना। और हो सके तो मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूंगा। क्या लेके आ गई, थैंक यू सो मच। तो यहाँ देखिए खाना में है वो दाल, गाइस देखिए दादी को कुछ नहीं समझ आ रहा है, इनको लग रहा है का ही मोबाइल लेके बोलते रहता है। और ये इनको, जबकि मैंने बोल चुका हूँ कि मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, ये भूल जाती है बार बार। तो यहाँ पे चटनी भी है, यहाँ पे चावल भी है, यहाँ पे सब्जी भी है, यहाँ दाल है। और मैं ये बता रहा हूँ ये दोनों चीज़ घर के खेत से उगा हुआ है। देखिए दादी बहुत अचंभा है कि भात से क्या बात कर रहा है। मैं बोला हूँ भाता से। वहाँ दादी का खाना आ गया, जाइए खाइए। देखिए वहाँ दादी का खाना लेके सोनल खड़ी है और दादी धीरे धीरे जा रही है खाना खाने के लिए मस्ती से। तो गाइस यहाँ पे हमारी बहुत सारी लकड़ी हमने जो काटा था इकट्ठा हो गया देखो यहाँ। और देखिए सोनल अभी खाना खा रही है और मैं सोनल के बारे में कुछ आपको बताऊँगा। तो यहाँ सोनल आपको पता है कि हम लोग यहाँ रुके हुए हैं कुछ काम से, अपने सैलून के काम से, क्योंकि अब तो 4 महीने से हम लोग जॉबलेस हैं, ठीक है। तो सोच रहे हैं कुछ यहाँ बिजनेस करें। तो एक्चुअली क्या हुआ कि ऐसा हुआ ना कि मैं यहाँ 6 के बाद रुक गया, तो बेचारी पे कुछ ज़्यादा ही बर्डन आ चुका है। हम लोग 5-6 मुस्टंडे हैं, अपने घर जाना है। और ये जो 9 बजे सुबह घुसती है तो 2 बजे निकलती है। अब भी देखिए, अभी लगभग 2:30 बज रहा है, ये अभी फ्री हुई है खाना खाने, और फिर 2 घंटे के लिए फ्री होती है। फिर 5 बजे से दादी में लग जाती है, चाय नाश्ता, फिर रात का खाना, फिर सबको दादी को खाना देना, और बर्तन तो सारा इसी के जिम्मा है। और सोनल अपने मी टाइम का एंजॉय नहीं कर पा रही है यहाँ, मतलब 12 दिन हो गया, 6 के बाद 10-12 दिन से हम लोग यहाँ हैं। और आपको पता ही है, अपने ब्लॉग आपको ब्लॉग दिख जाएगा, इसमें मैं दिखा दूंगा कि मैं इस ब्लॉग के आने से पहले एक ब्लॉग और आएगा जिसमें आपको दिख रहा होगा कि मैं अपना गैरेज वगैरह और जो जगह है उसको साफ़ करवा रहा हूँ। वो इसलिए कि यहाँ पे हम इसलिए हम लोग रुके भी हैं कि हमारा दुकान जैसे पटना में बहुत रेंट ज़्यादा था, कोविड बार बार आ रहा था, दुकान बहुत स्लो हो गया था। अब बहुत सारे रीज़न होते हैं बंद होने के, कोई भी बिजनेस स्टॉप होने का बहुत सारा रीज़न हो सकता है, सिर्फ एक ही रीज़न नहीं होता है, कोई नहीं जानता है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका अच्छा खासा 10 साल 20 साल पुराना बिजनेस भी बंद हो जाता है। तो मेरा 7 साल पुराना सैलून था जो कि क्लोज़ हो गया, करना पड़ा, बहुत सारा प्रॉब्लम था। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने ही ज़मीन जगह पे मैं स्टार्ट करूं कि 2 पैसा मेरा बचे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, और ये कोई बुरी बात भी नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि लाइफ को अगर सर्वाइव करना है तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और मेहनत से मैं पीछे कभी नहीं जाऊँगा, मैं शुरू से मेहनत कर रहा हूँ और आज भी करूँगा। फ़र्क इतना है कि थोड़ा अगर आपको सपोर्ट रहता है ना तो आप कहीं से कहीं जा सकते हो। अगर आपके पास सपोर्ट नहीं है, देखो जो भी आदमी, ऐसा कोई आदमी नहीं है ना, कोई भी इंसान नहीं है, चाहे फाइनेंशियली हो, मेंटली हो या फिजिकली हो, मोरल सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं ना कि आपके पास फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं, कुछ सपोर्ट नहीं, लेकिन मोरल सपोर्ट है तो आप फाड़ दोगे। तो यस यस यस, तो कहीं ना कहीं कोई भी सपोर्ट का माध्यम होना चाहिए, ठीक है। और बिजनेस में तो खास करके बोला गया है आपके पास फाइनेंशियली सपोर्ट होना ही चाहिए, मोरल सपोर्ट सेकेंडरी होता है बिजनेस में। तो बिजनेस इथिक्स जैसा बोलता है, अगर आप पढ़ोगे बिजनेस इथिक्स, बिजनेस मैनर, तो उसमें यही है, फाइनेंशियल सपोर्ट, हाँ बैकअप, हाँ बैकअप, फाइनेंशियल सपोर्ट बैकअप आपका होना चाहिए, और वो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले, यहाँ बैकअप। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि अपने जगह पर करें, कम से कम रेंट बचेगा, 2 पैसा सेव होगा, और जो भी कुछ होगा लाइफ अच्छा चलेगा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपको ये एक दाना खाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, फ्री में कुछ नहीं होता है धरती पर। तो इसीलिए हम लोग यहाँ रुके हुए, देखते हैं क्या होता है। जैसा होगा आपको अपडेट मिलते रहेगा वीडियो के माध्यम से, और आप लोग भी सपोर्ट करो हमारा कि हमारा। देखिए सोनल वहाँ बचा हुआ खाना गिलहरी को देती है और चिड़िया सबको, क्योंकि यहाँ बहुत सारे चिड़िया आते हैं। एक्चुअली हमारे घर में, हाँ हमारे घर में बहुत नियम चलता है, इनफैक्ट इतना नियम चलता है, आईपीसी में इतना धारा ही नहीं है जितना नॉनवेज खाने पे यहाँ धारा है। अच्छा, चिकन का तो कुछ अलग ही बवाल है, चिकन खाओ तो नहाओ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, चिकन खा के इधर मत सो उधर मत सो, अरे कहना क्या चाहते हो। और मटन थोड़ा, मतलब समझ रहे हो आप, मटन थोड़ा रिलायबल है, और मटन थोड़ा, मतलब समझ रहे हो आप, मटन थोड़ा रिलायबल है, कुछ भी चल सकता है, ठीक ना। तो इसीलिए या तो हम लोग शुद्ध ब्राह्मण बन जाएं, कंठी माला जनेऊ करके ना, या तो फिर खाओ ही मत, या खाओ। हाँ सोनल हमेशा बोलती है कि आप लोग ब्राह्मण बन जाओ जनेऊ पहन के, क्योंकि ऐसा खाने का कोई मतलब नहीं है, मतलब खा भी रहे हैं नहीं भी खा रहे हैं। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं और खाते तो सब है, कौन नहीं खाता है, खाता सब है, सब खाता है। देखो नॉन, जैसे चिकन खाने वाला पार्टी कम है, फिर मटन और मछली खाने वाला पार्टी बहुत है। मटन मछली तो सब खाता है, दो हमारे फैमिली में 2 जन ही नहीं खाते हैं, मेरी बड़ी वाली फुआ और एक मेरी छोटी वाली सिस्टर, ये 2 जन प्योर, की मम्मी नहीं खाती, हाँ एक मेरी मम्मी, ये 3 जन प्योर वेजिटेरियन हो गया। मेरी ना प्योर विलेज स्टाइल में बनता है, बिहार के एक छोटे छोटे गाँव में ना जो मटन बन जाएगा ना वो पूरी इंडिया में कहीं नहीं बनेगा। मैं ये नहीं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट नहीं बनेगा। बिहार आप जानते हो ना, बिहार एक रफ़ एंड टफ स्टेट है, और यहाँ जो मटन बनेगा ना रफ एंड टफ जगह में स्टाइल भी होता है गांव का, तो एकदम धुरकस स्टाइल होता है। रगड़ दो, पकड़ दो, लहसुन है डायरेक्ट डाल दो, गोलकी जीरा है डायरेक्ट पटक दो तेल में, मिर्च है गुंडी के साथ डंटी के साथ डाल दो। ये स्टाइल है बिहार का। तो देखो कैसे बनता है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये क्या करने वाली हो? इससे क्या होता है ना कि उस प्याज पे पूरा एकदम ये एकदम काला काला पड़ जाता है, ठीक है। चूल्हा पे मैं अभी यूज कर रही हूँ एक ट्रिक जो कि मेरी मासी का दिया हुआ है, ठीक है। वो बोलती है ना कि चूल्हे पे अगर कुछ चलाओ ना तो पहले ना सर्फ से इसको ऐसे करके सर्फ लगा लो, जैसे बहुत लोग मिट्टी भी लगा लेते हैं, बट मिट्टी इस बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। और सर्फ बस आपको लेना है और इसमें लगाना है। हाँ, अंदर नहीं जाना चाहिए ना? नहीं, अंदर नहीं जाना चाहिए। तो देखो यहाँ मैंने सर्फ दिया है, ये ट्रिक सोनल बता रही है। और पहले ज़माने में तो मिट्टी यूज़ करता था लोग ना, काला नहीं होना। लेकिन देखते हैं ये कितना असरदार होता है, आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा कि इस, क्योंकि हम लोग दो दिन से चिकन बना रहे थे ना, तो एकदम काला हो जा रहा था। हम लोग 2 दिन से चिकन बना रहे थे, काला हो जा रहा था। लेकिन ये ट्रिक देखते हैं क्या काम करता है, वो वीडियो के लास्ट में पता चलेगा, क्योंकि इसका हालत ख़राब था उसको रगड़ते रगड़ते। आज देखेंगे, हैप्पी फीडबैक देगा ना ट्रिक काम किया कि नहीं किया। हाँ, ये फीडबैक देगा। वो कढ़ाई बैठ गया है और आपको लास्ट में बताएंगे ये काला होता है कि नहीं। अगर आप ये अगर गलत हुआ इसको रोस्ट कर देंगे, देखना। हैप्पी बोरा काम नहीं करेगा। तो देखो ये आग का चूल्हा है, चूल्हा पे अक्सर क्या होता है कढ़ाई काला हो जाता है। अब देखते हैं सरफ जो सोनल, देखिए अब दिख रहा होगा पार्टिकल लगाई है, वो काम करता है कि नहीं। नहीं करा तो बोला था जोर जोर से बोल के स्कीमें मत बताया कर। तो गाइस फाइनली सारा आइटम आ चुका है जैसा देखा, और फुफा आ चुके हैं मटन बनाने के लिए। बहुत मज़ेदार मटन बनाते हैं फुफा। म्यूजिक और खतरनाक लग रहा है तेल। तो गाइस जैसा कि आपने देखा था कि दादी बार बार बोल रही थी कि फुफा बनाएंगे, क्योंकि अब हम लोग यहाँ मटन जब भी बनता है तो फुफा ही बनाते हैं, क्योंकि फुफा बहुत झकास बनाते हैं, मस्त बनाते। देखो यहाँ प्याज आ चुका है खड़ा ही है लो ना, तो यहाँ प्याज आ चुका है, मसाला खड़ा आ चुका है, और ये देखिए मीट मसाला। और देखिए यहाँ फूफा बनाने, देखिए कार्यक्रम चालू हो गया है मटन बनने का। सब कुछ पड़ गया है, फ़ौरन प्याज। अब दिखाते हैं आपको, जब बन जाएगा तब अच्छे से एकदम। और यहाँ देखिए मसाला आ गया, सारा मसाला खतरनाक लग रहा है एकदम देसी स्टाइल में। और ये देखिए लोढ़ी सिलौटी पे पिसा हुआ है, मिक्सी में नहीं, लोढ़ी सिलौटी पे पिसा हुआ है। देखिए यहाँ प्याज पूरा अच्छी तरह से लाल हो रहा है, और देखते हैं कैसा बनता है लास्ट में। मटन का जब भी नाम आता है बनाने पे तो दादी सबसे पहले रिकमेंड करती है फूफा को। हाँ, सबसे पहले। देख सकते हैं यहाँ मटन डला गया है और काफ़ी यम्मी लग रहा है, मज़ेदार लग रहा है। देख सकते हैं सारा पिसा हुआ मसाला इसमें जा चुका है, और अब और अच्छा लग रहा है हमारा मटन। देखिए मटन बहुत यम्मी लग रहा है देखने में। मटन करी देखो आप, एकदम बिहारी देसी स्टाइल में बन रहा है मटन करी। देखो आप एकदम विलेज स्टाइल में, बहुत टेस्टी लग रहा है, सुगंध भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो देखिए यहाँ हमारा मटन बनने वाला है। कैसा बनने वाला है? हाँ, यहाँ फूफा बना रहे हैं, और ऑलमोस्ट बन गया है। देखिए कलर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। चिकन रहता तभी तक में बहुत सीज भी गया रहता है, भूनते-भूनते ये तो भूनते-भूनते वो सीज हो जाता है। लेकिन इसको देरी है। हां, इसको तो सीजना पड़ेगा। गाइस ऑसम लग रहा है, स्मेल तो ट्रिमेंडस। तुमको कैसा स्मेल लग रहा है सोना? तुमको कैसा स्मेल लग रहा है? मस्त लग रहा है स्मेल। देखिए बैडमिंटन हो रहा है भाभी और देवर के बीच में, और यहाँ हमारा उधर देखो मटन बन रहा है और यहाँ बैडमिंटन हो रहा है। मटन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सोनल मटन बनाते बनाते धुआं हो गई और फाइनली मटन बन रहा है। और देखना पड़ेगा सीझा है कि नहीं सीझा। हाँ, अब चेक करना पड़ेगा सीझा है कि नहीं सीझा है। ओह माय गॉड, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन पानी भी है। हाँ, सोनल निकाल ली, रहा नहीं जा रहा। चेक तो करना बनता है। चेक करने के बहाने मुंह में पानी आ रहा है और क्या। हाँ, तुम चेक थोड़ी ना कर रही है। अरे खा लो, मुँह में पानी आ रहा है। पानी तो लार टपक रहा है लेकिन कंट्रोल कर रहा है। कुछ प्रॉब्लम है, गुप्त है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं आप लोग को। ओ हो हाउस डाइट सीखेगा। मसाला वसाला टेस्ट कैसा है? टेस्ट बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा और नमक लगेगा। नमक थोड़ा सा और लगेगा। ओह माय गॉड, ये है मटन की राक्षसनी। ये देखिए सूप खाई जा रही है। ओह माय गॉड, लड़ी चुस्ता। इसलिए हम निकाले छोटा सा, हमें पता था थोड़ा टाइम लगेगा। फुफा का रिकमेंडेशन सही रहा, मामा का। इसके अंदर बहुत सारा कलेजी था। तो ये देखिए मटन निकल रहा है हमारा, ये दादी का निकल रहा है। कलेजी कहाँ चला गया? चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, भाई को सपोर्ट कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। देखिए यहाँ दादी का खाना, दादी का लगे मटन। नहीं काम हो खून पहले कहाँ हो जाते देख तो खा रहे।